दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने नारेश्वर केसरी रंग अवधूत महाराज के द्वारा अपने भक्तों पर किए गए चमत्कारों के बारे में बताया था। आज भी इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही कुछ प्रसंग आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। वीडियो की शुरुआत में आपसे निवेदन है कि हमारे दूसरे चैनल ग्रामीण गुजरात को भी सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सहयोग प्रदान करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद। वडोदरा के पास पोर नामक एक गांव है। उसी पोर गांव में एक क्रमकांडी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था मणिशंकर। यजमान वर्ती और थोड़ी बहुत खेती से मणिशंकर जी अपने परिवार का गुजरान चला रहे थे। एक बार उनकी पत्नी कमला देवी के गले में एक रसोड़ी हुई, मतलब कि गांठ उत्पन्न हुई। दिन प्रतिदिन वह गांठ बढ़ने लगी। मणिशंकर जी ने बहुत उपचार और दवाई करवाई, मगर कमला देवी के गले की गांठ ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मणिशंकर जी कमला देवी को लेकर वडोदरा के उस समय के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री चंद्रसूड के पास गए। डॉक्टर चंद्रसूड ने तपास कर बताया कि गले पर जो गांठ बनी है उसकी जड़ें अंदर तक है, जिसका ऑपरेशन करना संभव नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन करने में नसें भी कट जाने की संभावना अत्यधिक है, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। मणिशंकर जी निराश होकर पत्नी कमला देवी को लेकर अपने घर लौटे। पूरे घर का माहौल शोकाकुल हो गया था। कमला देवी के गले में असहनीय दर्द हो रहा था। मणिशंकर जी के घर में रोने पीटने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी एकत्रित हो गए थे। वही उनके घर के पड़ोस में एक परिवार रहता था जो नारेश्वर श्री रंग अवधूत बाप जी के भक्त थे। उनका एक पुत्र था गोविंद, जो मणिशंकर जी के पुत्र भाईलाल का मित्र था। वह भी रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंचा। सभी को रोते देख एवं सर्व वर्तान सुनकर गोविंद बोला, काका चिंता क्यों करते हो, चलो नारेश्वर जाते हैं। नारेश्वर के समर्थ बाप जी जरूर काकी को स्वस्थ कर देंगे। गोविंद के मुख से सांत्वन भरे वचन सुनकर मणिशंकर जी के परिवार को आशा की किरण दिखाई दी। वह बोले, बेटा गोविंद, तू और भाईलाल तुरंत नारेश्वर जाओ और इस बारे में महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर तुरंत आओ। गोविंद और भाईलाल दोनों मित्र साइकिल लेकर नारेश्वर रवाना हुए। नारेश्वर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। आश्रम के व्यवस्थापक मोदी काका ने गोविंद को इस समय वहां देख आने का कारण पूछा एवं यह भी बताया कि आज तो बाबजी का मौन व्रत है, मगर कोई बात नहीं, तुम लोग जल्दी से रेवा स्नान करके आओ। मैं बाबजी से बात करके उनके पास कागज पेन रख देता हूँ, जिससे वह लिखकर समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। श्री रंग अवधूत महाराज के दर्शनों हेतु जाने से पहले सभी को रेवा स्नान करना अनिवार्य था, जिसका पालन श्रद्धालु आज भी करते हैं, अर्थात कि माँ नर्मदा में स्नान करके ही बाबजी के पास जाया जाता है। रात हो जाने के बाद भी दोनों मित्र माँ नर्मदा में कपड़ों के साथ डुबकी लगाकर बाबजी के पास पहुंचे। बाबजी ने कागज पर लिखकर बताया कि कुछ जड़ी बूटी पीसकर काली मिट्टी में मिलाकर उसका लेप करना। बाबजी से आज्ञा लेकर गोविंद और भाईलाल पोर पहुंचे और बताए अनुसार मिट्टी का लेप लगाया, मगर आधी रात के बाद अचानक से कमला देवी की तबीयत में गिरावट आई और वह सटपटाने लगी, उनकी सांसें टूटने लगी। अब सबने आशा छोड़ दी थी कि कमला देवी जीवित रहेंगी। सुबह होते ही लोगों ने गाय के गोबर से चौका बना दिया एवं अंतिम संस्कार की तैयारी रूप सर्व व्यवस्था कर ली थी। आस पड़ोस और रिश्तेदार एकत्रित होने लगे थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कहा कि रात को नारेश्वर के बाबा के पास गए थे ना, क्या हुआ, मिट्टी लगाने से कभी बीमारी खत्म होती है क्या, और इस प्रकार रंग अवधूत बाबजी को बुरा भला कहने लगा।
उस व्यक्ति के कटाक्षपूर्ण वचन सुनकर गोविंद के मन को बहुत गहरी ठेस पहुंची और वह वहां से भागकर अपने घर पहुंचा तथा पूजा घर में रखे श्री रंग अवधूत बाबजी की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगा एवं अंतर प्रार्थना करने लगा। अपने भक्त की अंतर प्रार्थना सुनकर बाबजी कैसे अपने को रोक पाते। सहसा कमला देवी को पता नहीं क्या हुआ कि वह एकाएक सीख कर खड़ी हो गई और पकी हुई गांठ को अपने हाथों से नोच कर निकालने लगी। उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें रोकने का पूर्ण प्रयास किया परंतु कमला देवी पर जैसे किसी अतिरिक्त शक्ति का संचार हुआ हो उस प्रकार सबके हाथों से अपने को छुड़ाकर पूरी गांठ को खींचकर निकाल फेंका। उनके गले में बहुत बड़ा घाव हो गया था और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। परिवार के सदस्यों ने घाव पर पट्टी कर उन्हें सुला दिया। प्रातः उठकर स्वस्थ व्यक्ति की भांति कमला देवी घर से बाहर निकलकर दातुन करने लगी। उन्हें देखकर सभी लोग विस्मित थे क्योंकि जिसकी अंतिम क्रिया की तैयारी की थी वह अब दातुन कर रही थी। कुछ लोगों ने कमला देवी को पूछा, कमला रात को तुझे क्या हो गया था? इतनी ताकत कहां से आई थी कि किसी के वश में नहीं हो रही थी? कमला देवी ने आश्चर्य से उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने क्या किया था? तुम सभी लोगों के सामने ही तो नारेश्वर के श्री रंग अवधूत महाराज ने मेरा ऑपरेशन किया था। तुम लोगों ने देखा तो था, फिर मैं सो गई। कमला देवी के मुख से ये चमत्कार सुनकर मणिशंकर जी के पारिवारिक सदस्य और पड़ोसी सभी आश्चर्यचकित थे, मगर गोविंद की आंखों से हर्ष के अश्रु बह रहे थे। मणिशंकर जी तुरंत नारेश्वर गए और बाबजी के शरणों में गिरकर उनका उपकार माना। बाबजी ने उन्हें सांत्वना दे और कुछ जड़ी बूटियां बताकर उनका लेप कमला देवी के घाव पर लगाने को कहा, जिससे कुछ ही दिनों में उनका घाव भर गया। श्री रंग अवधूत महाराज के इस अद्भुत चमत्कार की बात हवा की तरह संपूर्ण पोर गांव में फैल गई थी। ग्रामवासी बाबजी की महिमा से अभिभूत थे, इसीलिए सभी ग्रामवासियों ने मिलकर पोर गांव में श्री रंग अवधूत महाराज के जन्म दिवस पर रंग जयंती मनाने का आयोजन किया और गांव के कुछ गणमान्य नागरिक गोविंद को साथ लेकर नारेश्वर पहुंचे तथा अपने आने का प्रयोजन बाबजी को बताया। पूज्य बाबजी को यह सब पसंद नहीं था, मगर भक्तों का मन रखने के लिए वह तैयार हुए। दीपावली के बाद कार्तिक शुद्ध नवमी को बाबजी की जन्म जयंती मनाई जाती है। एक दिन पहले अर्थात अष्टमी के दिन बाबजी पोर गांव आने वाले थे। यह बात सर्वत्र फैल चुकी थी। पोर से 1 किलोमीटर की दूरी पर उटिया गांव के रेलवे स्टेशन पर श्री रंग अवधूत महाराज उतरने वाले थे। स्टेशन के पास ही मुस्तफा नाम के एक मुस्लिम का घर और इत्र की छोटी सी उसकी दुकान थी। वह भी बाबजी की महिमा से भलीभांति परिचित था, इसीलिए उसने सोचा कि जब नारेश्वर के संत यहाँ से गुजरेंगे तो मैं उन्हें इत्र की शीशी भेंट करूँगा और इसीलिए उसने वडोदरा से बहुत ही सुगंधित इत्र की शीशी मंगवाई। मगर जब बाबजी रेलवे स्टेशन पर उतरे तो पूर्व से ही भारी मात्रा में भक्तगण उनके दर्शनों हेतु वहाँ उपस्थित थे, इसीलिए आयोजकों ने एक सीमित दूरी से ज़्यादा नज़दीक किसी को जाने नहीं दिया और एक बैलगाड़ी में बैठाकर बाबजी को उनके उतारे पर पहुंचाया। मुस्तफा उदास मन से इत्र की शीशी लेकर वापस अपने घर पहुंचा और पूरे दिन यही विचार करता रहा कि संत को मैं भेंट नहीं कर पाया और इन्हीं विचारों के साथ रात्रि में सो गया। गहरी निंद्रा में मुस्तफा के स्वप्न में आकर बाबजी ने कहा, क्यों रे, क्यों दुखी हो रहा है? ले, मैं यह खड़ा, जितना इत्र लगाना हो उतना लगा दे। इतना कहकर मुस्तफा के हाथों से इत्र की शीशी लेकर अपने कपड़ों पर लगा दी। एकदम से मुस्तफा जागकर इधर उधर देखने लगा। तब उसे ज्ञात हुआ कि उसने स्वप्न देखा है, मगर तभी
उसका कमरा इत्र की सुगंध से महकने लगा। झट से उसने कबाट खोलकर इत्र की शीशी देखी तो वहां पर रखी शीशी भी खाली थी। मुस्तफा समझ गया कि महाराज स्वयं उसके घर पधारे थे। दूसरे दिन मुस्तफा पोर गांव में बाबजी के उतारे पर पहुंचा। वहां पर सभी आगंतुक भक्त कतार में दर्शनों हेतु खड़े थे। अपना नंबर आने पर मुस्तफा भी बाबजी के पास पहुंचा। उस समय भी बाबजी के कपड़ों से उसी इत्र की सुगंध आ रही थी। बाबजी के पास उपस्थित व्यवस्थापक एक दूसरे से पूछ रहे थे कि इतना इत्र कौन लगा कर आया है, मगर पूज्य श्री मुस्तफा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और भाव विभोर मुस्तफा की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। दोस्तों, श्री रंग अवधूत महाराज के और भी चमत्कारों से परिपूर्ण प्रसंग आने वाले वीडियो में। नर्मदे हर।